घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए यह टोटका लेकर आया हूँ, यह अगर आप दिवाली की रात करेंगे तो इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास पाने के लिए यह टोटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे टोटके को करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। दिवाली की रात अगर आप इस उपाय को करते हैं तो घर में स्थायी वास हो जाएगा। दिवाली की रात को माता लक्ष्मी के पूजन करने के बाद 11 से 1 बजे के मध्य माँ लक्ष्मी के महामंत्र ह्लीं क्लीं लक्ष्म्यै नमः का कंठक्लेश अथवा स्फटिक की माला से जाप करें, आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिवाली की रात ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। आशा करता हूँ आप भी इस उपाय को अपनाएंगे और अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी वास पाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम इस सवाल और सुझाव का जवाब देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।